अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था, ज़्यादा बिज़ी था, और बाइक वगैरह मॉडिफाई करने में। तो अभी फिर से मैं मुंबई आ चुका हूं, और मुंबई में आते ही मैं पहले इस संडे को ज़ू पे आने का प्रोग्राम बनाया। तो अभी मैं देख सकते हो आप, मुंबई के ज़ू में हूँ मैं। तो गाइस, बहुत लोगों को पता नहीं होगा मुंबई में ज़ू कहाँ है। तो अगर जिस किसी को भी घूमना हो मुंबई में ज़ू, तो इसका मैं प्रॉपरली वीडियो बना रहा हूँ मैं, कहाँ से कहाँ आपको जाना है, किस तरह से जाना है। तो आपको लोकेशन के मतलब हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हो, और मेरी वीडियो देख के भी आ सकते हो आसानी से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बहुत साल पहले आया था, एक बार 20 साल पहले लगभग यहाँ पे एक बार आके मैं गया हूँ, लेकिन उस टाइम पर ये सब नहीं था जो अभी देख रहे हो पीछे। इतनी सफाई है, इतनी हरियाली है कि मतलब इसका कुछ ठिकाना नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 20 साल पहले मैं देखा था यहाँ पे जो रोड है ना, ये सब कच्चे हुआ करते थे, अभी अभी सारा का सारा पक्का हो गया है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत सफाई है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज, अभी मैं भाईकला स्टेशन पे खड़ा हूँ, और हमको ईस्ट की तरफ निकलना है। यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, तो आपको निकलना है यहाँ पे, आपको लेफ़्ट साइड में ही निकलना है। लेफ़्ट साइड से जैसे चलते जाएंगे फिर आगे आपको मेन रोड मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेशन के सामने का मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको, और अभी आगे देख रहे हो रोड दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोड पे चले जाना है। रोड पे जाते ही जैसे आप रोड पे जाएंगे, तो फिर आपको राइट साइड से थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज के नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ब्रिज के नीचे देख रहे हो, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे रोड, क्योंकि वहाँ से सामने से जस्ट क्रॉस करने का था नहीं। यहाँ से क्रॉस करके फिर हम राइट हैंड में ही चलेंगे। ठीक है, ये ब्रिज के नीचे से देख रहे हो आप, यहाँ से हम क्रॉस कर चुके हैं अभी। तो देख सकते हो मेरा भांजा आगे भी जा रहा है, तो ये हम राइट हैंड से ही चल रहे हैं। राइट हैंड में ही है अपना रानी बाग, ये देख रहे हो यहाँ पे सब लोग ठेले पे बेच रहे हैं, जो भी चटपटा चीज़ें हैं जिसको पसंद है देख सकते हो ध्यान से, आम, इमली, ये सब सेहत के लिए तो नुकसान करता है। यहाँ पे गेट देख सकते हो रानी बाग का, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो ये ज़ू का गेट है, यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर। ये मेरी बहन, मेरे भैनू साहब और मेरा भांजा आगे एकदम उतावला है अंदर जाने के लिए। ये लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ पीछे पीछे। ये अंदर का नज़ारा देख रहे हो, ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। ये जो कूपन से भी ले सकते हैं, यहाँ से मशीन के माध्यम से, या तो फिर टिकट घर पर जाकर लाइन लगा के ले सकते हैं। तो मैं लाइन लगा के ले लेता हूँ, ये मैं टिकट ले चुका। टिकट लेने के बाद में अंदर जाएंगे। ये है टिकट। गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। आज मैंने पूरा दिन निकाला हुआ है कि चिड़ियाघर पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, तो आज फाइनली मुझे मौका मिला है, तो मैं आज ये वीडियो कम्प्लीट कर रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहना ज़रूर। गेट के जस्ट बाहर यहाँ पे कुछ पत्थर के बने हुए जानवर देख सकते हैं। यहाँ पे मगरमच्छ अंदर पानी में तैरता हुआ मुंह खोल के ऐसा दिख रहा है, मतलब असली के ऐसा, लेकिन असली नहीं है, वो नकली है, पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे जो भी जानवर देख रहे हो आप, ऊपर टाइगर देख रहे हो, ये भी पत्थर का ही है। ये देखो कितना बड़ा शार्क है, क्या बोलते हैं इसको, शुतुरमुर्ग को शायद बोलते हैं इसको। ये बारहसिंगा, ये बाहर जाने का रास्ता है, वही अंदर जाने का रास्ता, ये इन करने का, वो था आउट करने का। यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। ये देख, यहाँ पे तोप भी रखा हुआ है, और ये देख रहा है, ये बुलेट निकलने के लिए बनाया है, तोप का गोली निकलने के लिए। और इसके ऊपर जस्ट देख, हाथी पत्थर का बनाया हुआ है, दिखा हाँ। यहाँ पे आ जा अभी, इसके साथ में आ जा, पत्थर के हाथी के साथ में, हाँ आ जा। पत्थर का शेर देख ले, पत्थर का शेर है ये, क्या बात। यहाँ पे प्रशासन है, यहाँ पे एंट्री गेट पे जो बैग वगैरह चेक करते हैं कि कुछ इलीगल सामान ना अंदर लेके जाए इसके लिए। तो हमारा भी बैग यहाँ पे चेक हो चुका है, वेरीफाइड कर चुके हैं, हमारे बैग में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। बाकी नज़ारा यहाँ का देखने लायक है भाई, खूबसूरती तो है यहाँ पे, हरियाली वगैरह जो भी यहाँ का सेटअप है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
ये पूरे जू एरिया का मैप है, जो अगर मैप की जानकार होंगे ना, ये मैप से ही घूम सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है अभी के टाइम पे अगर कोई घूमने का जगह है मुंबई में तो सबसे बेस्ट है ये चिड़ियाघर जू, जो रानी बाग के नाम से है। तो क्योंकि यहाँ पे जो छाया है ना, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, यहाँ पे धूप लगने वाला नहीं है। और बाकी कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको धूप लगेगी, गर्मी लगेगी, तो परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पूरा दिन लेके आए हो तो यहाँ पे आराम से आप मस्ती कर सकते हो, यहाँ पे घूम सकते हो। काफ़ी पुराना हाथी है ये उम्र ज़्यादा है इसका। ये भालू है, इसका शक्ल ही नहीं दिख रहा है, इसके इतने बड़े बड़े बाल। यहाँ पे बाघ टाइगर टेरिटरी है, यहाँ लोग देख रहे हैं, चल के देखते हैं। भी कहाँ है ये टाइगर एरिया है, देख सकते हो इसको कितना सेफ भी बनाया हुआ है, और दोनों टाइगर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज अभी जू में कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि कुछ बड़े बड़े टाइगर्स हैं वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, तो उसको अभी कहीं और शिफ्ट किया हुआ है। ये पानी शेर को नहाने के लिए है ना, ये बाघ इसमें नहाते हैं, इसके लिए यहाँ पे पानी जमा करके रखा हुआ है। ये लिखा है ना, हरी नहीं है। क्या है नाम, क्या है इन लोगों का? बारहसिंगा, हिरन, हिरन बारहसिंगा, हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष। यहाँ पे क्या है, हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष म्यूजियम है लगता है। वाओ, ऑक्टोपस। यहाँ पे पेंगुइन, पेंगुइन देखते हैं इसको। मेरा भांजा बोल रहा है यहाँ से चलने के लिए अभी कुछ आगे लगता है, उसके लायक कुछ दिखा है, तो वो बोल रहा है इधर से चलने के लिए, देखते हैं क्या है आगे। आगे तो कुछ जानवर नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, शायद उसके कुछ काम का। हाँ ये दिखा सामने, ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में जा रहा है खेलने के लिए मेरे को लगता है। ज़बरदस्त है यार, आप पहले ऐसे घुमाना फिर मैं ऐसे करूंगा। बाकी मेरे को यहाँ का व्यू है ना बहुत अच्छा लगा, ये देखो भाई साहब। वाह अंकल, कहाँ जा रहा है? ये भाग गया यार, ये देखा प्ले ग्राउंड के ही चक्कर में ये भाग के आ रहा था, मेरे को मालूम पड़ा।
गया गया ये, अभी एक घंटे भर के लिए गया है, निकल गया। हाँ जा चल निकल, प्लेग्राउंड आ गया। बहुत शौकीन है खेलने का, इसके मज़े के लिए ना ये कुछ भी कर सकता है। ये बच्चे लोग का मज़े है यार यहाँ पे, अच्छा है, ठीक है, ये बनाया प्लेग्राउंड। हाँ ऊपर जाके नीचे स्लिप करेगा, चल हट जा बाबू। ये ये क्या बात है, ये सुरंग वाला है, सुरंग के अंदर से स्लिप करने वाला है। आजा हाँ चल हट जा बाबू। ये आके गिर गया। रुए। ये कौन सा राउंडिंग वाला? झूला। ये लटक के एक्सरसाइज करने के लिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। स्टार्ट। काफी सुंदर व्यू है अंदर का, देखने लायक तो है ही है, क्योंकि मैं पहले आया था तो इतना अच्छा नज़ारा नहीं दिखता था, ये बाद में बनाया है तो बढ़िया लग रहा है। अंदर का जो भी व्यू है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, और मेरे को ऐसा व्यू देखने में अच्छा लगता है। हमारे गांव में भी बांस का झाड़ हुआ करता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बांस, इसको बांस बोलते हैं हम अपने गांव में, जो यहाँ पे बम्बू बोलते हैं। तो ये काफ़ी मोटा मोटा देख रहे हो, और बहुत ही मतलब सॉलिड लग रहा है, ये अलग ही टाइप का ये। हाँ गाइस, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं ना, अभी मेन हम चिड़ियाघर में अब जा रहे हैं। जैसे कैसे तो बोल दिया था ना, चिड़ियाघर में जा रहे हैं, तो चिड़िया तो दिखती नहीं जल्दी, बड़े बड़े जानवर दिखते, तो ये रहा चिड़ियाघर। इसमें मोर पंछी मतलब देश विदेश के जो भी रहते हैं, एंटिक यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे गणेश नाम का पंछी है, देख सकते हो। इसलिए इन लोगों के लिए भी जगह बनाना तो चारों तरफ से जाली करते हैं, उनसे कोई जा नहीं सकते। बस भी बड़ा ज़बरदस्त तोता ग्रीन वाला, नॉर्मल ही अच्छा बता दिया बैठा है डाली के ऊपर, या जो डाली नहीं है पेड़ पर उसको बनाया जाता है। ये देख सकते हो रात आठ काफी काफी करता मध्य तर मध्य तर मध्य तर
अब ये कमाई हुई। तो फाइनली दोस्तों ज़ू का पूरा परिक्रमा कर चुके हैं हम, अभी बाहर के रास्ते की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे, हमारा टाइम हो गया एग्ज़िट करने का और बाकी लोगों का इन करने का, तो हम बाहर निकल चुके हैं अभी। गाइस यहाँ रानीबाग ज़ू में जो भी उपलब्ध यहाँ पे जो जानवर थे सब मैं आपको दिखा चुका हूँ और हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।